Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. So students, in our previous class we have learned about the sum properties, okay? Properties of additions, properties of subtraction, properties of multiplication and the properties of division, right? Now we'll continue our class with distributive property, okay? Today we learn about the distributive property, okay? Now we'll see an example of this. Example 5, you see this. A florist arranged 6 gladioli and 7 roses in a bouquet. A florist, flowers बेचने वाले जो रहते हैं उनको florist बोलते हैं. वो क्या किए? He arranged the flowers, 6 gladioli flowers and the 7 roses in a bouquet. वो bouquet में जो है 6 और 7 different flowers जो है arrange किए. Then Raj buys 5 such bouquets for the school annual function. Raj, he is a student, okay, and he buy the 5 bouquets for his school's annual function. School के annual function के लिए राज जो है ऐसे 5 bouquets purchase किए, buy किए, खरीदे उन्होंने. So what is the total number of flowers in these 5 bouquets? So what we have to find here? We have to find the total number of flowers which are present in the 5 bouquets. Okay? हमें यहाँ पे क्या find करना है? वो 5 bouquets में total कितने flowers हैं? दोनों टाइप के टोटल कितने फ्लावर्स हैं ये हमें फाइंड करना है. ओके, नाउ यू सी द सॉल्यूशन. ग्लैडियोली इन 5 बुकेट्स. फर्स्ट हम ग्लैडियोली फ्लावर्स को सॉल्व करेंगे. ग्लैडियोली इन 5 बुकेट्स इक्वल्स टू 5 इंटू 6 फ्लावर्स. ओके, 5 बिकॉज देर आर 5 बुकेट्स एंड 6 आर द फ्लावर्स. यहाँ पे 5 जो है बुकेट्स है और जो 6 है वो फ्लावर्स का नंबर है. सो 5 इंटू 6 फ्लावर्स दैट इज इक्वल्स टू 30 फ्लावर्स. 5 6 आर 30. सो 5 6 आर 30 इन ग्लोडियोली के फ्लावर्स कितने हैं टोटल? वहाँ पे 30 फ्लावर्स हैं. ओके, देन नेक्स्ट रोजेस. ओके, इन द रोजेस, रोजेस इन 5 बुकेट्स. अब हम रोजेस फाइंड करेंगे 5 बुकेट्स में. दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7. 5 सेवन्स बिकॉज देर आर 5 बुकेट्स एंड इन ईच बुकेट वी हैव 7 फ्लावर्स. सो वी मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 फ्लावर्स दैट इज इक्वल टू 35. 5 सेवन्स 35 फ्लावर्स. ओके, देन द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 5 बुकेट्स. अब हम पहले क्या किए, दोनों अलग अलग फ्लावर्स टोटल कितने हैं वो फाइंड कर लिए. उसके बाद हम टोटल कितने फ्लावर्स हैं वो फाइंड करेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 5 बुकेट्स इक्वल्स टू 5 इंटू 6 मेक अ वन ब्रैकेट दिस प्लस 5 इंटू 7 अनदर ब्रैकेट. क्योंकि ये जो है ग्लैडियोली फ्लावर्स है और ये जो है रोजेस हैं. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 65 फ्लावर्स. ओके, अनदर वे हम लोगों को 65 कैसे मिला? 5 इंटू 6 ये फ्लावर्स कितने हैं हमारे? 30. दिस 30 प्लस रोजेस 35. सो 30 प्लस 35 विल गेट 65. ओके, अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम एज यू सी, ये प्रॉब्लम को और एक वे से कैसे सॉल्व करते हैं? फ्लावर्स इन वन बुकेट. पहले हम एक बुकेट में टोटल कितने फ्लावर्स हैं वो फाइंड करेंगे. फ्लावर्स इन वन बुकेट ग्लैडियोली प्लस रोजेस, उसमें टू टाइप्स के फ्लावर्स हैं. कितने कितने हैं वो? 6 प्लस 7. ओके, एक ग्लैडियोली के 6 फ्लावर्स हैं और रोजेस 7 हैं. देन टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 5 बुकेट्स 5 इंटू द 6 प्लस 7 फ्लावर्स दैट इज इक्वल्स टू 6 7 आर 13 इंटू 5 बिकॉज वी हैव 5 बुकेट्स. सो 13 5 आर 65. टोटल फ्लावर्स आर 65. देर आर 65 फ्लावर्स इन all the buckets. Okay, so 5 into bracket 6 plus 7 that is equals to 5 into 6 close the bracket plus 5 into 7. So 6 plus 7 that is 13. 5 13s are 65. Here 6 5s are 30 plus 5 7s are 35. 30 plus 35 65. So here also we will have the same answer 65. Hence we can conclude that if A, B and C are whole numbers, then A into B plus C equals to A into B plus A into C. This property is called the distributive property of multiplication over addition. यहाँ पे हम जो किए सॉल्व
ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर